नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ब्रोजर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम खेल और खेल परिसर से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। और इसके पहले वाले वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम सभी खेल के खेल परिसर को ट्रिक से याद करने के लिए बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो, इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ऐसे ही और वीडियो के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलोड्रम। साइकिल के खेल परिसर को बेलोड्रम कहते हैं। देखिए इसको याद करने के लिए कैसे बताए थे, साइकिलिंग में देखिए साइकिल का साउंड आ रहा है, इसमें साइकिल चलाया जाता है, और बेलोड्रम में देखिए बेल लिखा हुआ है ना, और बेल का मतलब क्या होता है, घंटी, और घंटी किस में रहता है, साइकिल में रहता है। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं कि साइकिलिंग के खेल परिसर को बेलोड्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्केबाजी, मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिंग। मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग कहा जाता है। इसको कैसे याद करवाए थे, तो मुक्केबाजी जहाँ पर होता है उसको रस्सी जैसा कोई चीज़ से राउंड कर दिया जाता है, उसी को रिंग कहते हैं। तो उसी से आपको याद कर लेना है कि मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशानेबाजी और तीरंदाजी, निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेंज। इसको देखिए कैसे याद किए थे, निशानेबाजी में भी निशाना लगाया जाता है और तीरंदाजी में भी निशाना लगाया जाता है। तो निशाना जब लगाया जाता है तो किसी रेंज में ही लगाया जाता है, ऐसे ही कहीं भी नहीं मार दिया जाता है। तो ऐसे में आपको याद हो जाएगा कि निशानेबाजी और तीरंदाजी के खेल परिसर को रेंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़सवारी, घुड़सवारी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिना। घुड़सवारी के खेल परिसर को एरिना कहा जाता है। इसका भी ट्रिक बताए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केटिंग, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिंग। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को भी रिंग कहा जाता है। मुक्केबाजी और स्केटिंग दोनों के खेल परिसर को रिंग कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आइस हॉकी, आइस हॉकी खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिंक। आइस हॉकी जहां पर खेला जाता है उस खेल परिसर को रिंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेसबॉल। बेसबॉल जहां पर खेला जाता है उसको डायमंड कहा जाता है, क्योंकि बेसबॉल का जो ग्राउंड रहता है वो डायमंड के आकार का रहता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्फ। गोल्फ के खेल परिसर को कोर्स कहा जाता है। कैसे याद किए थे, देखिए गोल्फ से रिलेट किए थे गोल को, और गोल का मतलब क्या होता है, लक्ष्य, और किसी भी लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए कोई ना कोई कोर्स आपको करना पड़ेगा, तो ऐसे में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराकी का खेल परिसर है, तैराकी का खेल परिसर कौन है, ट्रैक, फील्ड, पूल या एरिना? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि तैराकी में तैरा जाता है, स्विमिंग किया जाता है, तो कहाँ किया जाएगा, स्विमिंग पूल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, व्यायाम किया जाता है ट्रैक पर सही है, बेसबॉल कोर्ट में होता है ये गलत है। अभी इसके पहले बताए थे कि बेसबॉल जहाँ पर खेला जाता है उसको डायमंड कहा जाता है ना, तो ये गलत है। और इसके बाद देखिए गोल्फ कोर्स, ये भी सही है, गोल्फ जहाँ खेला जाता है उसको कोर्स कहा जाता है, कुश्ती जहाँ किया जाता है उसको अखाड़ा कहा जाता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो बी ऑप्शन गलत है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सही सुमेलित है, इसमें से कौन सही है? तो देखिए आइस हॉकी के लिए डायमंड बोल रहा है, तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि डायमंड कहा जाता है बेसबॉल के खेल परिसर को, तो ये गलत है। फिर है बेसबॉल को एरिना, ये भी गलत है, एरिना कहा जाता है घुड़सवारी के खेल परिसर को। फिर है निशानेबाजी, निशानेबाजी के खेल परिसर को रेंज कहा जाता है, ये सही है ना। और उसके बाद देखिए मुक्केबाजी का है ग्रीन्स, ये भी गलत है, मुक्केबाजी जहाँ किया जाता है उसको रिंग कहा जाता है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा।